हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू जर्नी बी फार्मेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग हमारा बैकग्राउंड देख सकते हैं। कुछ दिन से वीडियो लगातार आ नहीं पा रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता थी और हमारी नई फार्मेसी का ओपनिंग होने के कारण काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता थी। तो दोस्तों, अभी हमारी फार्मेसी को पूरे 3 महीने हो गए हैं, अब से लगातार वीडियोज आप लोग को देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं गार्डिनाल टैबलेट के बारे में। दोस्तों, गार्डिनाल टैबलेट जिसमें जिसका फार्मूला होता है दोस्तों फिनोबार्बिटोल, ठीक है, ये एबॉट कंपनी की भी आती है और अदर कंपनियों की भी आती है। गार्डिनाल में दोस्तों गार्डिनाल 30 mg और गार्डिनाल 60 mg भी आती है मार्केट में। आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये स्ट्रिप में भी आपको देखने को मिलती है, शायद हमारे कैमरे में साफ ना आ रहा हो लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गार्डिनाल 30 mg। इसमें ये दोस्तों इसमें 100 मतलब टैबलेट्स हैं इस कंटेनर में। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे 100 टैबलेट्स है, शायद कैमरे में क्लियर ना आने आए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये गार्डिनाल टैबलेट है। दोस्तों, ये इसके बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये एनआरएक्स की कैटेगरी में आता है। एनआरएक्स की कैटेगरी का मतलब ये होता है दोस्तों, ये ओटीसी की दवाएं बिल्कुल भी नहीं होती, यानी कि इस दवा को अगर कोई कस्टमर मांगता है या ख़रीदना चाहता है तो उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ेगा। दोस्तों, प्रिस्क्रिप्शन जो कि आपके डॉक्टर जो लिखते हैं दोस्तों, तो उस प्रिस्क्रिप्शन में इसका नाम होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको इन दवाओं का सेल नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। और इन दवाओं का अगर यद्यपि आप सेल करते हैं तो उसका 2 साल तक के लिए एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों एनआरएक्स के बारे में, यानी कि इस टैबलेट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसका जो इस्तेमाल होता है वो किस में हम लोग काम में लेते हैं। तो दोस्तों, इस टैबलेट का जो मेन इन्ग्रेडियंट्स होता है दोस्तों, वो होता है फिनोबार्बिटोल टैबलेट, ठीक है, यानी फिनोबार्बिटोल सोडियम इसमें पाया जाता है, इसका मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है। और इसका इस्तेमाल दोस्तों हम लोग करते हैं मिर्गी, दौरे, झटके या फिर फिट्स में या फिर मांस पेशियों में ऐठन होता है दोस्तों, उसमें हम लोग करते हैं। और मोटर डिसऑर्डर, ठीक है, यानी कि अगर कोई अगर सही से चल नहीं पाता है तो उसको ये फिनोबार्बिटोन की टेबलेट्स दी जाती हैं। इसकी सिरप भी आती है जैसा कि हमने अभी बताया। और दोस्तों, इसके बारे में बात करें तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है वो उसको स्लो कर देता है, यानी कि जो ब्रेन होता है दोस्तों, ठीक है, ब्रेन के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होते हैं, जैसे कि उसमें कुछ केमिकल मैसेंजर पाए जाते हैं, जैसे कि गाबा, ठीक है, गाबा नाम का एक मैसेंजर पाया जाता है, वो क्या करता है कि जो सिग्नल्स होते हैं उनको स्लो कर देते हैं ताकि जो पेशेंट है उसको झटका या फिर मिर्गी के दौरे ना पड़ सके, ठीक है। तो ये दोस्तों गार्डिनाल टैबलेट के बारे में एक छोटा सा वीडियो रहा है। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका साइड इफ़ेक्ट आपका वॉमिटिंग हो सकता है, नोजिया हो सकता है, डिजनेस और डिप्रेशन भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकता है, घबराहट भी हो सकती है और दिल की गति भी आपकी बढ़ सकती है। तो ये अगर आप स्टार्टिंग में दोस्तों इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें थोड़े बहुत आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, यानी कि अगर किसी भी पेशेंट को आप दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा उसको साइड इफ़ेक्ट महसूस हो सकता है। और इसको अब ध्यान ये रखना है दोस्तों कि इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना है, ठीक है। ये छोटा सा दोस्तों आप सभी के बीच में एक वीडियो रहा है गार्डिनाल टैबलेट के बारे में, ठीक है। अगर कोई आपका क्वेरी है दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं गार्डिनाल टैबलेट के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।